Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी, मरीजों की मजमूई तादाद 6,18,646 तक जा पहुंची, हलाकतें 16,233 हो गई। ऑन्टेरियो में कोरोना के मरीजों के लिए पहला फील्ड अस्पताल कायम, अस्पताल का कयाम सेहत के शोबे की मदद के लिए अमल में लाया गया, अस्पताल $2 मिलियन की लागत से तामीर किया गया है। कनेडियन सूबे ऑन्टेरियो में हुकाम का स्कूलों को खोलने का फैसला, माहिरीन ने फैसले को खतरनाक करार दे दिया, सूबे में कोरोना वायरस में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है। कनाडा में कोरोना वैक्सीन की फराहमी सुस्त रवि का शिकार, वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का मायूसी का इजहार, ऑन्टेरियो में हुकूमत का रात के औकात में कर्फ्यू लगाने पर गौर। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया, WHO के सरबराह का कहना है कि वायरस की इब्तदा से मुतालिक जानना WHO की तरजीहात में शामिल है, वैक्सीन की दूसरी खुराक के 3 इस्तेमाल के नतीजे से मुतालिक डेटा मौजूद नहीं। ईरान का सदर ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से दोबारा रुजू, ईरान की इंटरपोल से सदर ट्रंप समेत 48 अहदेदारों के खिलाफ रेड वारंट जारी करने की इस्तदा, इससे पहले की गई अपील पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। अमेरिका और भारत कभी एक दूसरे के इतने करीब नहीं रहे, अमेरिकी वजीर खारजा का कहना है कि ताल्लुकात में मजबूती भारतीय वजीर खारजा SJ शंकर के साथ से आई है, दिल्ली में की जाने वाली अपनी तकरीर का लिंक भी शेयर कर दिया। दुनिया में कोरोना वायरस के केसेस 8,68,00,000 हो गए, मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है, मोजी वायरस से हलाकतें 18,76,243 हो गई। बॉलीवुड अदाकारा अमीषा पटेल का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया, कुछ देर बाद ही बहाल भी कर दिया गया, अदाकारा ने अकाउंट की बहाली में मदद करने पर हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला क्लीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फॉर्मूला, आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है, हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट, लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 9059566699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, कॉल लॉयर शिखा शारदा, 9059566699। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है, सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 215,358 हो गई है, मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं, कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 6,18,646 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 16,233 हो गईं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 215,358 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 8,441 तक पहुँच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 1,97,360 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 4,730 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,06,378 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,168 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 54,629 में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 954 है। ऑन्टेरियो का वबाई बीमारी के दौरान बनाया गया पहला फील्ड अस्पताल इस हफ्ते मरीजों के लिए खुलने जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के सबब सेहत से मुतालिक निजाम पर दबाव बढ़ रहा है, इस हवाले से मजीद जानते हैं।
اونٹیریو میں کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے پہلا فیلڈ اسپتال برلنگٹن میں کھول دیا گیا ہے۔ مقامی وبائی یونٹ اپریل میں بنایا گیا تھا جس میں 93 مریضوں کی گنجائش ہے۔ اونٹیریو کا وبائی بیماری کے دوران بنایا گیا پہلا فیلڈ اسپتال اس ہفتے مریضوں کے لیے کھولنے جا رہا ہے، کیونکہ کووڈ 19 میں صحت سے متعلق نظام پر دباؤ پڑتا ہے۔ یہ اسپتال پیر کے روز سے مریضوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ جنوبی اونٹیریو کے پورے خطے میں اسپتال کی گنجائش پر بڑھتے ہوئے دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں ہیملٹن، نیاگرا، ہیلڈیمن کاؤنٹی اور برلنگٹن شامل ہیں۔ فیلڈ اسپتال کھولنا ایک ضروری اقدام ہے، کیونکہ صحت کی دیکھ بھال کے نظام اپنی حد سے زیادہ بوجھ کا سامنا کر رہا ہے۔ فیلڈ اسپتال اپریل میں اسپتال کے نیٹورک کی صلاحیت کے منصوبے کے تحت بنایا گیا تھا۔ اس پر تقریباً $2 million لاگت آئی ہے اور 93 مریضوں کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ وبائی امراض کے ماہر انتباہ کر رہے ہیں کہ ایسے وقت میں جب اونٹیریو میں ٹرانسمیشن انتہائی اونچی سطح پر ہو، ایسے میں اسکولوں کو کھولنا غیر دانش مندانہ فیصلہ ہوگا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اونٹیریو میں حکومت کی جانب سے پیر کے روز سے ایلیمنٹری اسکولوں کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، تاہم وبائی امراض کے ماہر انتباہ کر رہے ہیں کہ ایسے وقت میں جب اونٹیریو میں ٹرانسمیشن ریکارڈ انتہائی اونچی سطح پر ہو، ایسے میں اسکولوں کو کھولنا غیر دانش مندانہ فیصلہ ہوگا۔ یونیورسٹی آف گیلف کی پاپولیشن ڈیزیزز ماڈلنگ کی سربراہ ایمی گریڈر کا کہنا ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وائرس کے علامات دیر سے ظاہر ہوتی ہیں اور بچوں میں اس کی علامات کم ظاہر ہونا ایک اضافی چیلنج ہے۔ اتوار کو شائع ہونے والے ایک طویل ٹویٹر تھریڈ میں بچوں کو اسکول میں دوبارہ بھیجنے کے فیصلے کو لاپرواہ اور خطرناک قرار دیا ہے۔ صوبے کے وزیر تعلیم اسٹیفن لیچے نے ہفتے کے آخر میں والدین کو یقین دلایا کہ 11 جنوری کو ایلیمنٹری اسکول کے کلاس رومز دوبارہ کھلیں گے اور موجودہ صوبائی لاک ڈاؤن ختم ہونے کے 2 دن بعد 25 جنوری کو ہائی اسکول کے طلبہ کلاس رومز میں واپس آ جائیں گے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا ہے کہ مجھ سمیت کینیڈین شہری فریزر میں رکھی ویکسین دیکھ کر مایوس ہیں، اسی وجہ سے ہم صوبوں کو ویکسین فراہم کرنے اور ان کی مدد کرنے کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ویکسین کی فراہمی کی سست رفتار پر مایوسی کا اظہار کیا ہے، جبکہ اونٹیریو صوبے میں رات کے اوقات میں کرفیو کا نفاذ کیا جا سکتا ہے۔ 1,48,000 کے قریب کینیڈین کو کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین دی جا چکی ہے۔ ٹروڈو نے کہا ہے کہ مجھ سمیت کینیڈین شہری فریزر میں رکھی ویکسین دیکھ کر مایوس ہیں، اسی وجہ سے ہم صوبوں کو ویکسین فراہم کرنے اور ان کی مدد کرنے کے لیے مل کر کام جاری رکھیں گے۔ جلد سے جلد کمزور آبادی اور فرنٹ لائن ورکرز کو مزید ویکسین لگانے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب کینیڈین صوبے اونٹیریو میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنے کے لیے رات کے اوقات میں کرفیو کا نفاذ کیا جا سکتا ہے۔ صوبے کے پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ کرونا کے بڑھتے ہوئے اثرات کو قابو کرنے کے لیے حکومت پورے صوبے میں رات کو کرفیو نافذ کرنے پر غور کر رہی ہے۔ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیوبیک اور دیگر علاقوں میں کرونا ایک سنجیدہ شکل اختیار کر رہا ہے اور کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، جسے کنٹرول کرنا بے حد ضروری ہے اور ہو سکتا ہے کہ حکومت اپنے فائنل فیصلے میں صوبے بھر میں رات کا کرفیو نافذ کر دے۔ سربراہ عالمی ادارہ صحت نے چین پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین نے اب تک کورونا کے پھیلاؤ کی ابتدا جاننے کے لیے عالمی مشن کے تمام ارکان کو ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ فائزر اور بائیو انٹیک کے مشترکہ ویکسین کی دونوں خوراک 21 سے 28 دنوں کے وقفے میں لازمی استعمال کی جانی چاہیے۔ WHO کی جانب سے ایک آن لائن نیوز بریفنگ میں کہا گیا ہے کہ ویکسین کی دوسری خوراک کے 3 سے 4 ہفتے بعد استعمال کے نتائج سے متعلق ڈیٹا موجود نہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب برطانیہ میں اس بات کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ پہلی خوراک کے بعد دوسری خوراک دینے میں 12 ہفتوں کی تاخیر کی جائے۔ دوسری جانب سربراہ عالمی صحت نے چین پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین نے اب تک کرونا کے پھیلاؤ کی ابتدا جاننے کے لیے عالمی مشن کے تمام ارکان کو ملک میں داخلے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ٹیڈرس کا کہنا تھا کہ وہ ایک بار پھر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وائرس کی ابتدا سے متعلق جاننا WHO کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ایران جنرل قاسم کا بدلہ لینے کے لیے کئی بار امریکہ کو دھمکیاں بھی دے چکا ہے اور بغداد میں امریکی سفارت خانے اور فوجی اڈوں پر حملے بھی کیے گئے تھے۔ اب ایران نے ایک بار پھر ٹرمپ کی گرفتاری کے لیے انٹرپول سے رجوع کیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से एक मरतबा फिर रुजू कर लिया है। बैन अल-अक़वामी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इंटरपोल से सदर ट्रंप समेत 48 अहदेदारों के खिलाफ रेड वारंट जारी करने की इस्तदा की है। ईरान के वजारत इंसाफ के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया कि जनरल कासिम सुलेमानी और मेहदी अल-मुहंदिस की बगदाद एयरपोर्ट पर अमरीकी हमले में हलाकत पर सदर ट्रंप और 48 आला अमरीकी हुक्काम की गिरफ्तारी के लिए एक बार फिर इंटरपोल में दरख्वास्त जमा कराई है। ईरानी अदालत का इस जमन में कहना है कि कासिम सुलेमानी को कत्ल करने वालों को सजा देने पर संजीदगी से अमल पैरा है। ईरान ने गुज़िश्ता बरस जनवरी में बगदाद एयरपोर्ट पर हमले में मुल्क की सबसे अहम और ताकतवर कुद्स फोर्स के मकबूल तरीन सरबरा जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत का जिम्मेदार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और 47 दीगर हुकाम को करार दिया था। कासिम सुलेमानी और मेहदी अल-मुहंदिस की हलाकत के खिलाफ ईरान ने इंटरपोल से इन अफराद के रेड वारंट जारी करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ईरान की तरफ से बैन अल-अक़वामी वारंट गिरफ्तारी के लिए दूसरी बार दरख्वास्त दी गई है। ईरान में तेहरान के प्रोसिक्यूटर ने जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत पर सदर ट्रंप की गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी किए गए थे। ईरान जनरल कासिम का बदला लेने के लिए कई बार अमरीका को धमकियां भी दे चुका है और बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने और फौजी अड्डों पर हमले भी किए गए थे। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि अमरीका और भारत तिजारत से लेकर दिफा तक कभी एक दूसरे के इतने करीब नहीं रहे। दोनों ममालिक के तालुकात में मजबूती भारतीय वजीर खारजा एस जे शंकर के साथ से आई है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का कहना है कि अमरीका और भारत तिजारत से लेकर दिफा तक कभी एक दूसरे के इतने करीब नहीं रहे। दोनों ममालिक के तालुकात में मजबूती भारतीय वजीर खारजा एस जय शंकर के साथ से आई है। सोशल मीडिया पर बयान में माइक पोम्पियो ने अपने भारतीय हम मनसब एस जय शंकर का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि दोनों ममालिक के तालुकात बेहतरीन सफारतकार और मेरे दोस्त जय शंकर के साथ मजबूत तर हुए। उन्होंने कहा कि भारत के साथ तिजारती, दिफाई और दीगर शोबों में अमरीका का तआवुन कभी भी इतना नज़दीकी नहीं रहा था। माइक पोम्पियो ने अपने ट्वीट के साथ 2009 में नई दिल्ली में की जाने वाली अपनी तकरीर का लिंक भी शेयर किया, जिसमें पोम्पियो ने दोनों ममालिक के दरमियान ऐसा तआवुन कायम करने पर जोर दिया था जो न सिर्फ अमरीका, भारत बल्कि खित्ते और दुनिया के लिए भी सूदमंद साबित हो। दुनिया भर में कोरोना वायरस की तबाहकारियां जारी हैं। बरतानिया में एक रोज में रिकॉर्ड 60,000 कोरोना केसेस रिपोर्ट किए गए। भारत में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 1 करोड़ से तजावुज कर गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मौजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 8,68,39,226 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 18,76,243 हो गई। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 2,33,98,731 मरीज अस्पतालों, क्वारंटीना मराकज में जेर इलाज और घरों में आइसोलेशन में है, जिनमें से 1,08,111 की हालत तश्वीशनाक है, जबकि 6,15,64,252 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से 10 सरे फहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 3,65,620 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद 2,15,78,606 हो चुकी है। कोरोना वायरस के अमरीका में 83,50,770 मरीज अस्पतालों, क्वारंटीना मराकज में जेरे इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 29,733 की हालत तश्वीशनाक है, जबकि 1,28,62,216 कोरोना मरीज अब तक शिफायाब हो चुके हैं। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां इससे 1,50,151 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इस मौजी वायरस से मुतासर मरीजों की तादाद 1,03,75,478 हो गई। बरतानिया में कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात दोबारा तेजी से बढ़ने लगी हैं। यहां इससे अमवात की तादाद 76,305 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस की तादाद 27,74,479 हो चुकी है। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 21,879 तक जा पहुंची है, जबकि कोरोना वायरस के केसेस 22,70,101 हो चुके हैं। जर्मनी इस फहरिस्त में 10वें नंबर पर आ गया, जहां कोरोना वायरस 37,180 जिंदगियां निकल चुका है, जबकि अब तक इसके 18,14,565 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 36वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,265 रिपोर्ट हुई है, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,63,259 तक जा पहुंची है।
अमीषा पटेल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने बताया कि उनका अकाउंट इतवार को हैक कर लिया गया था, जिसे रिकॉर्ड टाइम में दोबारा बहाल कर दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड अदाकारा अमीषा पटेल का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया गया, जिसे कुछ देर बाद ही बहाल भी कर दिया गया। 44 साल अमीषा पटेल ने अपने अकाउंट के हैक और बहाल होने से मुतालिक वीडियो पोस्ट करके बताया। अमीषा पटेल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट की जिसमें उन्होंने बताया कि उनका अकाउंट इतवार को हैक कर लिया गया था, जिसे रिकॉर्ड टाइम में दोबारा बहाल कर दिया गया। अदाकारा ने अकाउंट की बहाली में मदद करने पर हुक्काम का शुक्रिया अदा किया और लोगों से इस तरह के साइबर हमलों से मोहतात रहने की अपील भी की। इत्तला के मुताबिक अदाकारा के अकाउंट से कोई चीज पोस्ट या डिलीट नहीं की गई है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। डेली कैनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैग टीवी। Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe.